हाय गाइस, दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज मैं बात करता हूँ एक एसटी पैनल के बारे में। एसटी पैनल बेसिकली एमवी पैनल भी जिसे कहते हैं, जिसमें 11 केवी सप्लाई आती है। तो ये आप जो भी प्लांट या बिल्डिंग्स में जब बीएससीएस या गवर्नमेंट की जो 11 केवी सप्लाई आती है, उसके बाद अगर आपको अपने बिल्डिंग्स में लेनी है तो आप अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर रखेंगे या फिर कंपनी में प्लांट में अंदर में एक ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेप डाउन करके अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 11 केवी जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए, जनरली ये डोमेस्टिक यूज़ में नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर वो माउंट होता है पोल के ऊपर ही, तो वो 11 केवी डायरेक्ट एक फ्यूज़ के थ्रू ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होती है। बट बिल्डिंग्स में और अगर आपको हायर प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ग्राउंड फॉल्ट नहीं होते, उसमें शॉर्ट सर्किट ही बस रहेंगे, तो इसलिए कंपनी जो बिल्डिंग्स वाले या फिर जो भी अपना ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं वो एक एसटी पैनल लगाते हैं, वो इस टाइप का होते हैं। इसके अलग अलग एसेसरीज़ के बारे में जाएंगे, पहले एक ओवरव्यू दूर से देख लेते हैं। ये करीब 7 से 8 फीट हाइट का ये पूरा एक पैनल होता है। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट है जिसमें मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले जो 11 केवी पोल से आते हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई जो हमें मिलती है, वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दो केबल गई है। एक इन जो पोल से आई, जो फर्स्ट वाली ये केबल है, ये पोल से आ रही है और ये फिर इस ब्रेकर से होते हुए ये ट्रांसफार्मर को जा रही है। दूसरी वाली जो नीचे शायद दिख रही हो आपको, क्योंकि ये चार्ज पैनल है, इससे ज़्यादा मैं नज़दीक नहीं कर सकता इससे, ठीक है। तो एक एक यहाँ पे पोल से इसमें इन हो रही है विथ प्रोटेक्शन, ये फिर बगल ट्रांसफार्मर में जा रही है। ट्रांसफार्मर पर मैं बाद में आऊँगा। तो ये कंप्लीट है। अब इसके एसेसरीज देख लेते हैं ऊपर से ये क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये इंडिकेशन लाइन से लगे हुए हैं। पहला तीन इंडिकेशन RYB जो 11 केवी शो कर रहा है यहाँ पे। अब एक सवाल आता है कि 11 केवी में आपने इंडिकेशन कैसे लगा दिया, 11 केवी रेटिंग का तो कोई इंडिकेशन आता नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसके कंपार्टमेंट सबसे नीचे है। इसके अंदर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर इन जो है ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है कि वो एक स्टेप डाउन, मतलब मोस्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो CT हो या PT हो, CT करंट ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये मोस्ट ये क्या कर रहा है, ये 11 केवी की लाइन एक तो VCB में सर्किट ब्रेकर में जा ही रही है, फिर वहाँ से एक पैरेलली लूप लेकर के PT के थ्रू, PT मतलब PT का इनपुट में जो है वो 11 केवी सप्लाई जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन करेगा वो 110 AC रहेगा, ठीक है। तो 110 हमारा रेटिंग का, 110 220 का तो इंडिकेशन बल्ब आता ही है, तो इसलिए ये RYB PT के थ्रू हमको वोल्टेज देख पा रहे हैं हम, ये तीन रेड येलो ब्लू, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है, थोड़ा और क्लोज कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो है ये VCB ऑन, क्योंकि ये एसटी पैनल चार्ज है अभी, चार्ज मतलब ऑन है। जब भी मैं चार्ज बोलूँ, VCB चार्ज है मतलब VCB ऑन है। जब भी मैं स्प्रिंग चार्ज बोलूँ मतलब स्प्रिंग इज रेडी टू स्ट्राइक, वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये VCB ऑन का है। फिर उसके बाद अगर ये VCB ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर किसी वजह से किसी कुछ इसमें अनवांटेड फॉल्ट आया है तो उसकी वजह से अगर ये VCB ट्रिप होगा तो ये, इसको हम लोग एम्बर बोलते हैं, एम्बर लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बगल में स्प्रिंग चार्ज है तो ये इंडिकेशन जल रहा है, बट ये दूर से क्लियरली देख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ऊपर में लाइट लगी है जिसकी वजह से, लेकिन ये स्प्रिंग चार्ज वाला इंडिकेशन ऑन है। उसके बगल में है ट्रिप सर्किट हेल्दी, ये हमेशा ऑन रहता है। वो अभी इसके इंडिकेशन ख़राब है या कुछ इशू है, क्योंकि अगर इसमें ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं रहता तो ये मेरा जो प्रोटेक्शन रिले है इसमें अलार्म आ जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन का एक ओवरव्यू। ट्रिप सर्किट हेल्दी का मतलब हो गया कि ये एक क्रॉस चेक है कि आपका ये पैनल जो है वो पूरी तरह से सही है। अब उसके नेक्स्ट लाइन में आते हैं मल्टी फंक्शन मीटर को शॉर्ट में MFM भी बोलते हैं। मल्टी फंक्शन मीटर मतलब इसमें मल्टीपल चीज़ आप देख सकते हैं, वोल्टेज एवरेज, KVA, फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे बटन हम सिलेक्शन करेंगे सारा इसमें आएगा, ठीक है। ये मल्टी फंक्शन मीटर हो गया जिसमें आप करंट, वोल्टेज, KVA रेटिंग, KW, ARH जो भी आपको देखना है आप सिलेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बगल में ये है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मल्टी फंक्शन मीटर में ऑलरेडी अंदर में आप देख सकते हैं, लेकिन एक मतलब
कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर कुछ ज़्यादा मतलब ईजिली अच्छा डिस्प्ले हो जाए, इस वजह से एक अलग से मीटर भी लगाए गए हैं यहाँ पे। तो ये एम मीटर है, मतलब इसमें करंट शो हो रहा है, ठीक है। ये वन का मतलब है कि सिर्फ आर का ये दिखा रहा है जो चेंज होते रहते हैं। वन के बाद टू पे जाएगा, मतलब वाई का करंट क्या रहा है, फिर थ्री पे कितना करंट हो रहा, आर वाई भी ये चलता रहता है, ठीक है। इसको सेट किया गया वन पे, इसलिए अभी तक ये वन ही पे है, जो यहाँ के ऑपरेटर हैं जिस हिसाब से सेट किए इसको। दूसरा ये वोल्टेज मीटर है, जो वोल्ट मीटर जो पहले कांटे वाले आते थे, अभी ये डिजिटल आ गया, ठीक है। तो ये वोल्टेज दिखा, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे 600 दिखा रहा है, ठीक है। ये अभी आप देखिए, उस टाइम में अभी यहाँ पे 11 kV आ रहा है, क्योंकि मैंने दो का लिया, पहले ये सिंगल दिखा रहा था इसलिए ये 600 आ रहा था। बट वोल्टेज कभी भी दो फेज के रेफरेंस का लिया जाता है ना, इसलिए ये 11 kV पूरा नहीं है, 10.44 है, 10.44 kV, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। फिर ये अनाउंसिएटर कहलाता, अनाउंसिएटर मतलब एक हुटर टाइप का है, जब कुछ भी फॉल्ट होगा तो साथ में ये ब्रेकर ट्रिप भी हो जाएगा और साथ में हुटर नीचे है। अनाउंसिएटर मतलब इंडिकेशन आएगा, इंडिकेशन जैसे ये ट्रिप किया लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या ट्रिप हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसको। तो समझो एक तरह से ये आपको इंडिकेट करेगा ओवर करंट फॉल्ट, अगर ये ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आया ओवर करंट की वजह से। आई थिंक थोड़ा इसको हमको रोकना होगा यहाँ पे। हाँ, ये देखो फर्स्ट में ओवर करंट फॉल्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक है बुकल्स अलार्म, ठीक है। उसके नीचे है वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म। तो ये अलग अलग फॉल्ट इंडिकेशन है, जो भी लाइट जलती है तो हमें पता चल जाता है कि ये अलार्म आया है। जैसे वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म है, इसका मतलब है वाइंडिंग हीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड में गया है या फिर कुछ फॉल्ट है। दूसरा है ये मास्टर ट्रिप है, उसके बाद ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म है, फिर ये इमरजेंसी स्टॉप। अगर मैं यहाँ इसको प्रेस कर दूंगा तो इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म भी आ जाएगा और ये ब्रेकर ट्रिप भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में बटन है एक्नॉलेज करने का, जैसे ये हुटर बज रहे थे, ये हुटर है, हुटर मतलब जो सायरन बजर जो बजता है वो हुटर हम जनरली बोल रहे हैं इसको, ये बजर भी कहते हैं। तो बजर की आवाज़ सुन करके यहाँ पे कोई आदमी आया, लेकिन वो एक अननोइंग साउंड होता है जिसमें वो काम नहीं कर पाता है, तो वो आते के साथ पहले एक्नॉलेज कर देगा तो ये हुटर का साउंड बंद हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेशन वैसे के वैसे ही रहेगा जब तक ये फॉल्ट क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये अनाउंसिएटर हो गया जो इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आया। उसके बाद आते हैं सबसे मेन पार्ट, सबसे जो मेन पार्ट है एसटी पैनल का वो ये है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रिले, ठीक है। न्यूमेरिकल रिले या डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर रिले, ठीक है। अभी ये हाईटेक रिले आया है, जो पहले का क्या था ना रिले, जो सिर्फ ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाता था, पर अभी जो ओवरफ्लक्सिंग होगा कुछ बहुत सारा है इसको, आप न्यूमेरिकल रिलेज के बारे में अगर आप वो चाहिए तो मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, या आप ये खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये रिले है जिसका मॉडल नंबर P127 है, ठीक है, ये आप मैनुअल से पढ़ सकते हैं। ये रिले ही असल में सेंसर है जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है कितना करंट वो ट्रांसफार्मर को दे रहा है, सारा कुछ मतलब मास्टर माइंड यही है, सारा एसटी पैनल का माइंड यही है, ठीक है। कुछ भी अगर इशू हुआ ट्रांसफार्मर के साइड में, अगर वो ट्रांसफार्मर में जो करंट जाने वाला वो एबनॉर्मल है, तो हमने जो इस रिले में जो करंट सेट रखा है कि मुझे इससे ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर को नहीं देना है, तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा, और अगर मैंने उसको अलार्म पे सेट किया तो वो अलार्म जनरेट कर देगा, अगर मैंने ट्रिप सेट किया तो वो ट्रिप जनरेट करेगा। जनरली हम लोग इसमें दो सिस्टम रखते हैं, हम डायरेक्ट ट्रिप नहीं रखते हैं। जैसे सपोज करो कि इस ट्रांसफार्मर को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाना है, तो हम इस रिले में सेट करेंगे 80 डिग्री अलार्म, क्योंकि हम डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये तो ट्रिप ही हो जाएगा, फिर हम कुछ एक्शन क्या लेंगे, हमारा जो प्लांट या आगे का जो प्रोडक्शन या कुछ भी काम चल रहा है वो तो बंद हो जाएगा ना। तो हम 100 पे ट्रिप से पहले एक 80 डिग्री सेल्सियस पे एक अलार्म जनरेट कर देंगे, तो जैसे ही 80 पे टेम्परेचर जाएगा वो टेम्परेचर सेंस कैसे करेगा, वो टेम्परेचर सेंस करेगा इसमें जो करंट का जो करंट जो सीटी के थ्रू हमने करंट का मॉनिटरिंग लिया है उससे मुझे पता चलता रहेगा कि इस पे, और इसमें आरटीडी भी लगा हुआ है वाइंडिंग टेम्परेचर जो डिवाइस है उससे पता चल जाएगा कि हमारा करंट टेम्परेचर बढ़ा है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या करंट फ्लो हो रहा था, ये अलार्म आ जाएगा, ठीक है। तो अलार्म ट्रिप इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अभी ज़्यादा डिटेल जाने का टाइम नहीं है यहाँ पे मुझे। तो उसके बगल में जैसे ही ये, और एक बात और,
इस न्यूमेरिकल रिले ये कभी भी फॉल्ट को डायरेक्ट ट्रिप के ये इस जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो मैं कंपार्टमेंट वाइज बात कर लेते हैं। ये पूरी डोर है, इसके ऊपर कंट्रोलिंग वायरिंग है, कंट्रोल सर्किट है, जो भी रिलेज और माइक्रोप्रोसेसर रिले और जो भी कंट्रोलिंग पार्ट है, सिलेक्टर स्विच जो बीच वाले हैं, इसमें वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगर आप इसे देख पाए अंदर, इसके अंदर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये आप भी ऑन दिख रहा होगा रेड कलर का, ये स्नाइडर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो कि अभी ऑन है, इसलिए मैं डोर ओपन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग है। अगर मैंने डोर ओपन किया तो ये वीसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो ये वीसीबी चैम्बर हो गया। और जनरली मैंने पीछे मैंने बता दिया है कि ये पीटी है, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो हमारा वोल्टेज एग्जिस्टेंस के लिए एलईडी के इंडिकेटर के लिए मुझे देना था, इसलिए पीटी है। और प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं इससे, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज लेना है तो मुझे इसके थ्रू ही लेना होगा, क्योंकि जो भी रिले है वो कोई भी रिले 11 की अभी रेटिंग की नहीं आती है। हाँ, तो ओके, बैक टू द पॉइंट। तो ये रिले में अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो ये मास्टर ट्रिप को कमांड देगा। मास्टर ट्रिप का मतलब है मास्टर जैसे नहीं, मास्टर की होता मतलब सारा एक यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल कुछ भी फॉल्ट आएगा तो ये इसके पास आएगा, इसके थ्रू ही वीसीबी ट्रिप होगा। मतलब कभी कुछ फॉल्ट आया तो जैसे ओवर करंट फॉल्ट आया, तो ओवर करंट फॉल्ट के साथ ये रिले भी ट्रिप होगा और मास्टर ट्रिप भी ट्रिप होगा और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप होगा, ठीक है। तो ये मास्टर सर्किट मास्टर ट्रिप है, ठीक है। कुछ भी फॉल्ट आया तो मास्टर ट्रिप होगा। उसके बाद ये वीसीबी का पार्ट है, यहाँ पे एक ट्रिप सर्किट इंडिकेशन सिलेक्टर स्विच है जहाँ से आप मैनुअली ब्रेकर को क्लोज ओपन कर सकते हैं। सिलेक्टर स्विच है कि आपको ऑन ऑफ रिमोटली हैंडल करना है या लोकल करना है। ये इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच कुछ भी जैसे रिले ट्रिप नहीं हुआ, ओवर करंट की वजह से कुछ फॉल्ट हो रहा है पर ट्रिप नहीं हो रहा, तो आप आकर के इसको प्रेस करके टोटली एसटी पैनल को और शट डाउन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एसटी पैनल की वीडियो हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।